बहुत स्वागत है जी सारे विद्यार्थियों का। एक बार फिर हाजिर हाँ, जसमीत भाटिया जी साढ़े नाल मौजूद ने, लैंडमार्क इमीग्रेशन दे चीफ। और क्योंकि दिवाली का त्यौहार आने वाला है, जसमीत भाटिया जी ने भी लैंडमार्क इमीग्रेशन वालों स्टूडेंट्स के लिए एक खास गिफ्ट अनाउंस किया है। सो वो सारे स्टूडेंट जिहड़े कैनेडा दियां फाइल मूव करनगे, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड या किसी भी कंट्री दे विच फाइल अप्लाई करनगे लैंडमार्क इमीग्रेशन के जरिए, जिहड़ी एम्बेसी फीस है वो लैंडमार्क इमीग्रेशन वालों दिती जाएगी। सो ये एक खुशखबरी जसमीत जी ने सांझी की है। पहला ये गल कर लिए, फिर जिहड़ा कैनेडा का ट्रेंड है, लेटेस्ट ट्रेंड है, वो भी गल नाल नाल करांगे। जसमीत जी, काफ़ी ऑफर्स लैंडमार्क इमीग्रेशन वालों थोड़े दिनों आए ने। पहला 480 आया कि 480,000 की फीस के नाल स्टूडेंट कैनेडा जाएंगे, उन्होंने बहुत चंगा हुंगारा मिलिया। क्योंकि बहुत सारे मैं वेखदा सी कि साढ़े पंजाब दे विच कंसल्टेंट्स ने जिहड़े 11-12 लाख का पैकेज इस तरह करते हैं, या इस तो ज़्यादा भी 16-15-20 लाख तक कहते पैकेज करते हैं। सो एक पासे 15-20 लाख का पैकेज, तो एक पासे 480,000 दे विच तुसीं स्टूडेंट नूं एडवाइज करदे हो एडमिशन, इहने बहुत वड्डा फर्क पाया और मार्केट इहदे नाल रिफॉर्म हुई है। स्टूडेंट्स कोले एक डिबेट करन दा इशू आ गया कि असीं इन्ने लख पैसे क्यों देईए, 12-12, 15-15 लख क्यों देईए जे साडी 480,000 च फीस दे के एडमिशन हुंदी है। ये एक कैटागरी है। दूसरा हुण तुसीं एम्बैसी फीस तुसीं देनी है, ये एम्बैसी फीस जिहड़ी देनी है ये नाल किन्ना क बर्डन है जिहड़ा, वह भी तुहानू बीयर करना पैना है। सो ये स्टूडेंट्स के लिए किड्डी वड्डी एक ऑपरचुनिटी हो सकती है कि वह जल्द तो जल्द अपनी फाइल लाउण। मैं चाहूँगा ये दोनों तिने चीज़ों नू जरा एक्सप्लेन करियो। सत श्री अकाल सुरिंदर जी, पता ही है सर सुरिंदर जी कि असं पिछले 2007 तो सही इनफॉर्मेशन देने का एक बीड़ा चक्या हुआ। साड़ी कोशिश यही है कि बच्चों तक एक सही इनफॉर्मेशन पहुँचे और किसी भी बच्चे नाल कहें मिसगाइडेंस ना हो। सो बिजनेस तो हर कोई करता है, हर कोई कर भी रहा है, पर जे आप किसी का घर वेच के अपना घर भर रहे हैं वो सही नहीं हैगी। सो इसलिए स्टूडेंट्स मेरे को काफ़ी सारे बच्चे आए, किसी ने 12 लख दिता, किसी ने 15 लख दिता जिमें तुसीं मैनूं कह रहे हो, और प्राइवेट कॉलेज पढ़न गए। और एक्चुअल जो मैं चैक किया तो कॉलेज की फीस तो वो 480 हुई सी, 6 लख सी, 7 लख सी। सो इसलिए मैं एक उपराला किया कि स्टूडेंट्स जिहड़े कि बाहर जाना चाहते हैं, ये कोई भी साडा मार्जिन नहीं है इस फीस का, इस फीस कोई मार्जिन नहीं है, मतलब कॉलेज सानू कुछ नहीं देगा। सो असी बिल्कुल कट के वो फीस स्टूडेंट अगे लिया के रखती, यानी कि 480,000 रुपया, 8400 डॉलर है शायद, 480 to 5 के बीच हो सकता है, 8400 डॉलर साल की फीस है, साल की फीस 8400 डॉलर। सो बच्चा 8400 डॉलर दे के बाहर जा सकता है, और स्टूडेंट्स की कहें इस अप्लाई करके अपना वीज़ा ले सकते हैं। सो काफ़ी सारा अफोर्डेबल है, कई बच्चे 20 लख नहीं अफोर्ड कर सकते, उन्हां बच्चों लिए एक रस्ता खुल गया है 10 to 12 लख कैनेडा जाने का। सो 10 to 12 लख कैनेडा पहुँच सकते हो, अगले साल तुम गरंटिड पब्लिक कॉलेज एडमिशन ले सकते हो। जसमीत जी, जिमें बड़ा ये हैरानीजनक गल है कि प्राइवेट कॉलेजेस दे विच जिहड़े स्टूडेंट्स पैकेज करते सी, सो एक तरीके नाल जिहड़ी फीस सी उहदा भी डबल वसूल लिया जांदा सी, ते जिहड़ा ये 480,000 है इहदे प्रति स्टूडेंट्स दा रिस्पोंस किस तरह दा, कि स्टूडेंट साढ़े अंडरस्टैंड करन लग गए कि असीं 5-6 लख कॉलेज दी बजाय माइंड गेम है सर, वीज़ा अज की रेट से ना माइंड गेम बन गई है, जिहड़ा जिन्हों चंगा लगता है उन्ने की चीज़ बेची जाता। सो दिल्लियों कोई चीज़ 50 रुपए की लिया के भी इतने 5,000 की बेच दिंदा, और कोई बंदा 50 रुपए की चीज़ 60 रुपए देंदा तो लोग कहते ठीक नहीं हैगी, क्यों पता नहीं क्यों सस्ती दे रहे, माड़ी होनी है। सो ये एक माइंड गेम हैगी है, हुण जिन्हों जो चीज़ चंगी लगती है सानू कही कि बहुत वधिया, कि क्योंकि बहुत बच्चा आ गया साढ़े कोल, इदा का कुछ नहीं है। सो लोगों ने कहना शुरू करता कि वीज़ा नहीं आऊगा ये या की कहते हैं कॉलेज माड़ा होना है। सो कॉलेज तो मैं तुम्हें उदन भी कहा कि एक सरकारी कॉलेज के कैंपस से पढ़ाया जाएगा बच्चे, सो उत्थे ही सरकारी कॉलेज भी पढ़ाता है, और अगले साल गरंटिड एडमिशन टू गवर्नमेंट कॉलेज भी दी जाएगी, उत्थे ही पढ़ेगा बच्चा, उत्थे ही उस कैंपस से ही पढ़ेगा। सो कैंपस कोई प्रॉब्लम नहीं हैगी है,
DLI ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਫਰ ਲੈਟਰ ਆਏਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਫਰ ਲੈਟਰ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਔਰ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 27 PPR ਆਈਆਂ ਇਹਨਾਂ ਸਿੰਗਲ ਡੇ 27 PPR ਆਈਆਂ। ਸੋ ਲੈਂਡਮਾਰਕ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਰੋਸਿਆਂ 'ਤੇ ਖਰੇ ਉੱਤਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਦੀਵਾਲੀ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਫੈਸਟੀਵਲ ਆਫਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਅੰਬੈਸੀ ਫੀਸ ਲੈਂਡਮਾਰਕ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਭਰੇਗਾ। ਸੋ ਅੰਬੈਸੀ ਫੀਸ ਜਿਹੜੀ ਕਿ $150 ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਲੈਂਡਮਾਰਕ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਜਿੱਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਫਾਈਲ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਲੈਂਡਮਾਰਕ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਅੰਬੈਸੀ ਫੀਸ ਲੈਂਡਮਾਰਕ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਦਾ, ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਟਰੀ 'ਚ ਲਾਉਣਾ ਹੈ, ਸੋ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਅੰਬੈਸੀ ਫੀਸ ਹੈ ਉਹ ਮਾਫ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੀ, ਜਿਵੇਂ ਜਸਮੀਤ ਭਾਟੀਆ ਜੀ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਜਸਮੀਤ ਜੀ ਹੁਣ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਇਨਟੇਕ ਨੇ ਔਰ 480 ਦਾ ਇਨਟੇਕ ਕਿਹੜਾ ਅਗਲਾ? ਸੀ ਜਨਵਰੀ ਇਜ਼ ਓਪਨ, ਸੋ 480,000 ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਜਨਵਰੀ 'ਚ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹਲੇ ਐਲਗੋਂਕਵਿਨ ਕਾਲਜ ਜਨਵਰੀ 'ਚ ਮਿਸੀਸਾਗਾ ਕੈਂਪਸ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਫੀ ਵੇਵਰ ਵੀ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ $100 ਵੀ ਛੱਡ ਰਿਹਾ ਕਾਲਜ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਫੀਸ ਦਿੱਤੇ। ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਫੀਸ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਫੀਸ ਨਹੀਂ, ਔਰ ਅੰਬੈਸੀ ਫੀਸ ਵੀ ਲੈਂਡਮਾਰਕ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਫੁਟਕਲ ਖਰਚੇ ਆ ਉਹ ਸਾਰੇ ਲੈਂਡਮਾਰਕ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਟੇਕ ਕੇਅਰ ਕਰ ਲਏ। ਸੋ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਫੀਸ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਫੀਸ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਅੰਬੈਸੀ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਐਲਗੋਂਕਵਿਨ ਕਾਲਜ 'ਚ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਲੈਮਟਨ ਕਾਲਜ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਫੀਸ ਨਹੀਂ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ ਕੈਨੇਡਾ ਵੈਸਟ ਦੀ ਕੋਈ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਫੀਸ ਨਹੀਂ, ਫੈਨਸ਼ਾ ਕਾਲਜ ਦੀ ਕੋਈ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਫੀਸ ਨਹੀਂ, ਅਲਗੋਮਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ HRM ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੀ ਕੋਈ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਫੀਸ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਲੈਂਡਮਾਰਕ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹੀ ਹੈ 100% ਟਰਾਂਸਪਰੈਂਸੀ ਔਰ ਇੱਕ ਸਹੀ ਗਾਈਡੈਂਸ। ਗਲਤ ਗਾਈਡੈਂਸ ਦੇ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿਣਾ। ਸਾਡਾ ਤੁਸੀਂ ਆਫਿਸ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰੋ, ਹੈੱਡ ਆਫਿਸ ਮੋਹਾਲੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸਦਾ ਬਹਾਰ ਰਹਿਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ 100% ਗਾਈਡੈਂਸ ਦੇਣ ਲਈ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਔਰ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬੈਠੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਸੋ ਸੁਰਿੰਦਰ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਸੈਟਅਪ ਹੈ ਸਾਡਾ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਟਾਫ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਹੀ ਗਾਈਡੈਂਸ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸਾਡੀ ਡੇ ਮਨ ਤੋਂ ਹੈਗੀ ਆ, ਔਰ ਮੇਰੇ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਰਹੇਗੀ। ਨਹੀਂ ਬਿਲਕੁਲ, ਲੈਂਡਮਾਰਕ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਔਰਗਨਾਈਜ਼ ਸੈਕਟਰ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਹੈ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਲੈਂਡਮਾਰਕ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਆਫਿਸ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਔਰਗਨਾਈਜ਼ ਵੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉੱਥੇ ਉਹ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। 90413-90412 ਸਕਰੀਨ 'ਤੇ ਨੰਬਰ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਇਸ ਨੰਬਰ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਜਸਮੀਤ ਭਾਟੀਆ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਨੇ ਔਰ ਪਰਸਨਲੀ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੈਂਡਮਾਰਕ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਹੈੱਡ ਆਫਿਸ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਜਸਮੀਤ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ।